हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं सेवई की खीर। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है और मेरी फेवरेट भी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेवई की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप सेवई ली है। आइए अब हम इसको पहले सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कढ़ाई में आधा चम्मच घी डाल लूंगी, इसमें सेवई डाल लूंगी और इनको बहुत अच्छे से हम सेक लेंगे। गोल्डन होने तक हम इनको सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेवइयां अच्छे से सिक गई हैं, कलर चेंज हो गया है, ब्राउन कलर की हो गई हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पहले हम दूध बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में से सेवइयां अलग निकाल दी हैं बर्तन में ताकि ये ठंडी हो जाएं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये पहले एक बार बॉईल करके रख दिया था दूध, अब हम दोबारा इसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। देखिए दूध बॉईल होने लग गया है, अभी हम इसको 5-7 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे दूध लग ना जाए। फ्रेंड, 5-7 मिनट हो चुके हैं दूध बॉईल होते हुए, काफी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें सेवई डाल देंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हमने अभी एकदम लो कर दिया है। अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे और इस पे इसको बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेवई डालने के बाद भी दूध में उबाल आ गया है, अच्छे से बॉईल होने लग गई हैं। अब हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, खीर बिल्कुल तैयार है, बहुत गाढ़ी भी हो गई है और सेवई भी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। आइए अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, चीनी डालने से पहले मैं इसमें कुछ पत्तियां केसर की डाल रही हूं। फ्रेंड्स, चीनी बहुत अच्छे से इसमें घुल गई है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेवई की खीर बिल्कुल रेडी है, आइए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमने सेवई की खीर को सर्व कर दिया है। आप जो चाहें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसको सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और हरा पिस्ता यहाँ पे यूज में लिया है। अब आप जब चाहें तब ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।